जैसा कि हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि मानदेय 8,470 रुपये मिलते हैं, वो भी घर से लगभग 90 से 100 किलोमीटर दूर हम लोगों का विद्यालय है, लेकिन हम लोगों का मानदेय कभी समय से नहीं मिल पाता कि पर मंथ हमको समय से ही मानदेय मिले, कभी एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद। उसका कारण ये है कि सर मानदेय प्रपत्र जो है ब्लाकों से समय से जिला पर नहीं पहुंच पाता। जिले पे हम लोग जाते हैं तो पता चला कि दो ब्लाक का नहीं आया, तीन ब्लाक का नहीं आया, ऐसे हम लोगों को बार बार बताया जाता है। उसके बाद में 8,470 रुपये हम लोगों को सर मिलते हैं, उसमें 90 से 100 किलोमीटर दूरी हम लोगों को रोज़ तय करना होता है, तो सबसे बड़ी समस्या है कि मानदेय हम लोगों को समय से नहीं मिलेगा तो विद्यालय जाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और ऐसे भी हमारे अनुदेशक भाई हैं जो वहाँ अपना कमरा ले लिए हैं, रूम लेकर रह रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्याएं हैं, घर की स्थिति भी उनकी उतनी अच्छी नहीं है, तो समस्याएं हो रही हम लोगों को सर। इसलिए हम लोगों का मानदेय समय से अगर मिलता रहे तो हम लोगों का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे संगठन की तरफ से हम लोग ज्ञापन देते हैं और समय से क्या कहते हैं प्रपत्र पहुँचाने का अनुरोध करते हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी लोग जो हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि ब्लॉक प्रपत्र SDI साहब से मिलकर भिजवाने का कष्ट करें। अब वहाँ खंड शिक्षा अधिकारियों की कुछ लापरवाही के कारण, जैसा कि BSA साहब ने 5 तारीख तक हर महीने में प्रपत्र खंड शिक्षा अधिकारियों को पहुँचाने की आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन पहले से ही पिछले वर्षों से ही एक समस्या यह बनी हुई है हम लोगों की कि हम लोग जो है BSA साहब से कई बार मिलकर यह आदेश करवाए कि हम लोगों का मानदेय प्रपत्र अगले माह के 5 तारीख तक हर हाल में पहुँच जाए। सर ने आदेश भी कर दिया, लेकिन ब्लाकों से, जनपद के सारे ब्लॉकों से प्रपत्र धीरे धीरे पूरे महीने तक पहुंचता रहता है, कोई 8 तारीख को, कोई 10 तारीख। तो अभी पिछले महीने अक्टूबर माह का ग्रांट प्रदेश से प्राप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ अभी जो है मानदेय इस आशय पर नहीं दिया जा रहा है कि अभी कुछ ब्लॉकों का प्रपत्र नहीं आया है। जैसा कि आज जाके विकास भवन में हमारे यहाँ लेखाकार हैं सुभाष चंद जी हैं, उनसे मैंने कन्फर्म किया तो पता चला, वहाँ बताया गया कि अभी 3 ब्लॉक का प्रपत्र नहीं आया है। एक जो है आपका कर्नलगंज अभी नहीं आया है, और इसके बाद तरबगंज नहीं आया है, नगर क्षेत्र का नहीं आया है। तो मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग इतनी छोटी सी मानदेय में, और इसके बाद पूरे जनपद में लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर पोस्ट हैं, तो हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं मानदेय के लिए, बार बार यहाँ संपर्क कर रहे हैं, पता चल रहा है कि आपका मानदेय प्रपत्र नहीं आया है, इस एवज में मानदेय नहीं दिया जा रहा है। तो हम यह बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों का जल्द से जल्द मानदेय रिलीज कर दिया जाए। अनुदेशकों को भुगतान नहीं मिला है भुखमरी की बजट आया है, और जैसे ही बजट आया है सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तुरंत उनका उपस्थिति भेजिए। उपस्थिति जैसे ही 2-3 ब्लॉक का और रह गया, जैसे आ जाएगी हम उनका मानदेय उनके खाते में पहुँच